तो उन्होंने उसको बेस बनाया, उसको बेस बना करके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंप्लीमेंट करने का कहा। लेकिन ये जुमला पार्टी, ये संघीय पार्टी क्या है, कहते कि नहीं हमारी वो अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और कहते हैं कि नहीं हम इसके खिलाफ केस करेंगे। यूजीसी एमएचआरडी दोनों मिलकर के एसएलपी डालती है हाई कोर्ट में, और उसके बाद आपको पता है कि जिसकी गवर्नमेंट है उसके हम बंदे बैठे होंगे, उसी के हम जजेस बैठे हैं, उसी की सारी कार्रवाई होगी, उसी की सुनवाई होगी, हमारी कोई सुनवाई नहीं। और वहां पर उसको खींच करके आज तकरीबन 6 महीने 7 महीनों के खींच लाती है, और कल जब इनका अध्यादेश आता है वो कहते हैं कि ठीक है पहले तो हम अब यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल लेके आएंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल लेके आकर के कॉन्ट्रेक्चुअल के बाद कहते हैं ठीक है कॉन्ट्रेक्चुअल के खिलाफ हमारे पूरे टूटा खड़ी हुई, पूरा मुहिम चला, एमएचआरडी पर धरना दिया, जावड़ेकर के पास हम गए, हर जगह हमने पूरा देशव्यापी हड़ताल किया। उसके बाद इनको देखा कि डीओ की टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ खड़ा हो गया, अब इनके खिलाफ क्या किया जाए। उसके बाद 2-3 दिन के बाद ही क्या करते हैं, जो एसएलपी डायर किया उसका हियरिंग होता है, और उसमें ये मनोवादी लोग जिनकी तरफ से इनका जज हमारा जो है रिप्रेजेंटेटिव था, हमारा केस लड़ रहा था, उसको पूछा कि आपको रोस्टर के बारे में पता है, वो कहते हैं मुझे रोस्टर के बारे में नहीं पता कि रोस्टर होता क्या है। वो जज जो हमारी कार्रवाई हमारी पैरवी करेगा उसको रोस्टर के बारे में पता कि होता क्या है, तो वो मतलब जिसको यही मालूम नहीं कि रोस्टर बनता कैसे है, होता क्या है, 13 पॉइंट क्या है, 200 पॉइंट क्या है, वो हमारे क्या पर बिल्कुल कोई सीरियसनेस नहीं, और उसको फेल करा दिया, और मनोवादी सोच से उन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर इंप्लीमेंट करा दिया, उसको फेल करा दिया। और अब उसी के अब आपकी मांग 13 पॉइंट रोस्टर को हटाने की है। हमारी मांग स्पष्ट मांग है 13 पॉइंट रोस्टर को हटाया जाए, 200 पॉइंट रोस्टर एज ए यूनिट मान करके उसको इंप्लीमेंट किया जाए। ऑलरेडी ये कॉलेज में बन चुका है और बना है, उसमें सभी लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। इवन लास्ट ईयर हाँ बैकलॉग और शॉर्टफॉल के साथ लास्ट ईयर मैं ही लाइजन ऑफिसर था अपने कॉलेज में, मैंने ही 200 पॉइंट रोस्टर बनाया हुआ है, एज ए यूनिट बनाया हुआ है, मेरे साइन है उसका उसके ऊपर, देख लीजिएगा। हमारे हर डिपार्टमेंट में हर एक कैटेगरी का लोग लगा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन पूरा है। लेकिन आप 13 पॉइंट रोस्टर अगर इंप्लीमेंट करते हो तो 13 का मतलब कि 13 तक आप जाओगे, 13 में तो 14 सीट एसटी की है, 15 सीट एससी की है, 16 सीट ओबीसी की है, इन्होंने देख लिया कि आगे कंटिन्यूस में 3 सीटें इन लोगों की है, इसलिए उसको रफा दफा कर दो, 13 पॉइंट रोस्टर गिराने की सोच रहे हैं। इवन मैं आपको दूसरा ये बताता हूँ 13 पॉइंट रोस्टर मतलब क्या है। ये कहते हैं कि 13 पॉइंट रोस्टर इंप्लीमेंट होगा जहाँ पे 13 से कम सीटें होंगी, 13 से ऊपर जहाँ सीटें बढ़ती हैं वहाँ 200 पॉइंट रोस्टर इंप्लीमेंट होगा। लेकिन ये वाले लोग वहाँ पर भी जबरदस्ती 13 पॉइंट रोस्टर लगाने की कह रहे हैं कि वहीं 13 पॉइंट रोस्टर वहाँ पे लगेगा। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, मैं श्यामलाल कॉलेज इवनिंग में पढ़ाता हूँ, इसमें प्रोफेसर हूँ, पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं हुआ। जहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7 लोग काम कर रहे हैं जिस डिपार्टमेंट में, मैं जानता हूँ हमारे यहाँ पे हिंदी और कॉमर्स डिपार्टमेंट को छोड़ करके जितने भी डिपार्टमेंट में, सभी डिपार्टमेंट में 3 लोग 4 लोग 5 लोग 6 लोग मीन्स लेस देन 10 काम कर रहे हैं। इट मीन्स वहाँ पे तो रिजर्वेशन आएगा ही नहीं कभी, वहाँ पे तो कोई SC ST OBC का लोग कभी लगेगा ही नहीं, ये मान करके चलिए आप। अब देखो इन मनोवादियों की क्या सोचे। तो इस तरह की यहाँ पर चीजें हैं जो कही जा रही है कि एक साजिश के तहत, महीन साजिश के तहत आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। 13 पॉइंट रोस्टर का जो मामला है उसको हटाए जाने की कोशिश की बात कही जा रही है, मांग की जा रही है, और इनकी मांग है कि जो 200 पॉइंट रोस्टर है उसको पुनः लागू किया जाए। ये आज हमारे एक्साइज बड़े हो रहे हैं यार, बहुत ज्यादा हो गई है, ज्यादा नहीं हुई है क्या चीज है, क्या चीज लड़ गए हुए और हल्के में समझा, मीडिया को हल्के में ले हुआ तो जिस तरह से हम दिखा रहे हैं कि 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपका नाम? देखिए मैं सुचित हूँ, मैं अभी दिल्ली हिंदू कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस। सवाल ये है, ये 13 पॉइंट रोस्टर जो है वो सीधे सीधे उच्च शिक्षा में दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का किसी भी तरीके के रिप्रेजेंटेशन को रोकता है, किसी भी तरीके की भागीदारी को, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो एसोसिएट प्रोफेसर हो। ये 13 पॉइंट रोस्टर कहता है कि विभागावार रिजर्वेशन होगा, विभागावार रोस्टर होने से एक बार में अगर 13 पोस्ट आएगा तो उसमें 1/4 पोस्ट ओबीसी को,
सातवां पोस्ट एससी को, तेरहवां पोस्ट, चौदहवां पोस्ट एसटी को जाएगा। अब एक डिपार्टमेंट में कभी भी 14 सीट आते ही नहीं, 13 सीट आते ही नहीं है। अगर तीन सीट आएगा तो तीनों अनरिजर्व को जाएगा। इसी को सही करने के लिए 200 पॉइंट का रोस्टर सजाया जाता था, एक कॉलेज को यूनिट मान के, एक यूनिवर्सिटी को यूनिट मान करके। अब इस रोस्टर के तहत जो अध्यादेश, जो तरीका है, उससे न तो कभी 13 सीट आएगा, न तो कभी 7 सीट नहीं आएगा, वो एससी भी जाएगा। और एसटी तो इनके ध्यान में है ही नहीं, क्योंकि 13 पे रोक दिया, 14वां सीट एसटी का होता था, इन्होंने 13 पे रोक दिया। एसटी तो कभी रिजर्वेशन से आपको आएगा नहीं। क्या आपको लगता है कि यूआर की कैटेगरी में ये एसटी को ले आएंगे कभी? यूआर का मीनिंग इन्होंने बना रखा है हर डिपार्टमेंट और कॉलेज में, रिजर्व फॉर अपर कास्ट, वही मीनिंग है इनका। तो आपको लगता है कि जब 13 पे खत्म हो रहा है, 14वां एसटी का आना था वो नहीं आया, तो क्या एसटी का कोई प्रोफेसर अनरिजर्व में क्वालिफाई होगा क्या? करेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि काबिलियत नहीं है उसमें, ये करेंगे नहीं। और ऐसे ही एक डिपार्टमेंट में कभी भी 7 पोस्ट नहीं आएगा एक साथ, अगर 7 नहीं आए तो एसटी भी नहीं गया। और एक डिपार्टमेंट में मुश्किल से 2 या 3 सीट आते हैं, अगर 2 या 3 सीट आएंगे तो ओबीसी भी गया, केवल और केवल अपर कास्ट आएगा। और आज अभी इंडियन एक्सप्रेस का रिसर्च आया है, 2 दिन पहले 3 दिन पहले, आप देखेंगे कि उसमें पूरे 64 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, 64 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी प्रोफेसर पिछड़े तबके का नहीं है, एक भी प्रोफेसर। और एससी का जो होना चाहिए 13.5%, वो कितना है मालूम है आपको? 1.5%। एसटी का जो होना चाहिए 7.5%, वो है 0.5%। तो इस तरीके से कुल मिला के एक तो न तो बैकलॉग भरा गया है, और न ही रिजर्वेशन को 27.5% जो 90 के बाद ओबीसी को लाया गया, हालांकि 50 के बाद ही एससी का रिजर्वेशन था, एससी एसटी का, लेकिन ओबीसी का जो 90 के बाद लाया गया विश्वविद्यालयों में, और कहा गया कि बैकलॉग के थ्रू हम भर लेंगे, न तो बैकलॉग के थ्रू भरे, न वो 27.5% जो रिजर्वेशन ओबीसी को मिला उसको भी ठीक ढंग से नहीं भरा गया है। अभी वो भरा ही नहीं था तब से एक ऐसा रोस्टर लेके आए जिससे थोड़ी बहुत चांसेस होती थी, वो भी खत्म हो गई। हमारी लड़ाई सीधा है, हमारा डिमांड बहुत क्लियर है, जो कहता है कि आप इस पे रोस्टर पे ऑर्डिनेंस लेके आओ ये बजट सेशन में। अगर बजट, हमारी तैयारी है, हमारी एक डेलीगेट जा रही है, हर पार्लियामेंटेरियन से मिल रही है, हर मिनिस्टर से मिल रही है, ब्यूरोक्रेट से मिल रही है, और वो सोशल प्रोग्रेसिव लोग जो हैं उनसे हम मिल रहे हैं। हमारी तैयारी 26 जनवरी तक ये है, 26 के बाद, 26 को हम संविधान का काला दिवस मनाएंगे, क्योंकि ये संविधान का विरोध कर रहे हैं। कल हमारा एक मार्च है अभी यहीं पे कैंडल, बिल्कुल ये संविधान विरोधी फैसला है, जो संविधान में बाबा साहब का सपना था, जो सावित्री फुले का सपना था, उससे विरोधी है। तो हम संविधान विरोध पे मनाएंगे। इसके बाद हमारा एजुकेशन प्लान है कि अगर ये बजट सेशन में लेके आए इस पे ऑर्डिनेंस, अगर ये ऑर्डिनेंस नहीं आते तो हमारे नौजवान साथी हैं, बहुत जोश है इसमें, मंडल से भी विरोध, तगड़ा विरोध हो सकता है, और मंडल से तगड़ा भी हमारा रेजिस्टेंस होगा, जिसको आप रोक नहीं सकते, कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये 85% पॉपुलेशन का बात है, ये हमारे हक की बात है, कोई खैरात की बात नहीं है, किसी तरीके की दया या दिलासा की बात नहीं है, ये बात दरअसल हक की बात है, हमारे वजूद की बात है। बिल्कुल ये साजिशन हो रहा है। इसके बाद वो ज्ञान सर है, वो बातचीत करेंगे आपसे, ये बिल्कुल साजिशन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं। सर, क्या मामला है, क्यों आपको लगता है कि मोदी सरकार आपका रिजर्वेशन खत्म कर रही है? देखिए सर, ऐसा है कि पूरे विश्वविद्यालयों में 5 मार्च 2018 से पहले 200 पॉइंट रोस्टर चलता था, जिसमें कि सभी ST SC OBC की भागीदारी फुलफिल होती थी 49.5%। एक इलाहाबाद कोर्ट का जजमेंट आता है, एक हाई कोर्ट का जजमेंट आता है, और उसको पूरे देश में लागू कर दिया जाता है 10 दिनों के भीतर। और तकरीबन इस नए रोस्टर से, जो विभागवार रोस्टर है उसमें अगर यह रोस्टर लागू होता है, तो आप यकीन मानिए कि 70% सीटें जो ST SC OBC की है वो खत्म हो जाएगी। जैसे छोटा डिपार्टमेंट है, अगर दो कहीं पोस्ट निकलती है, उसमें से पहले जो तीन पोस्ट होता है वो यूआर का होता है, अगर दो ही सीट आ रही है तो वो दोनों यूआर की होगी। इस तरह से सदियां बीत जाएंगी ST SC OBC के लिए अध्यापन के मौके के लिए। दूसरी बात ये है कि हाई कोर्ट के उस फरमान को सुप्रीम कोर्ट
एज इट इज रखता है और बिना सुनवाई का हमारा जो मामला है वो डिस्पोज कर दिया जाता है। खुद सरकार जाती है, भारत सरकार जाती है सेल्फी लेकर, इसका मतलब है कि भारत सरकार मानती है कि यह जो इलाहाबाद कोर्ट का फैसला था वो गलत था। एसएलपी लेकर जाती है यूजीसी और एमएचआरडी, बावजूद इसके एसएलपी खारिज हो जाती है। हमारी सरकार से एकमात्र डिमांड है कि जिस तरह से एसटीएसयू का जो केस आया था उसमें ऑर्डिनेंस लाए थे, आपको इस मसले पर भी, चूंकि यह शिक्षा जगत है, शिक्षा से आरक्षण खत्म करने की साजिश है, इसके लिए आपको एक ऑर्डिनेंस लाना होगा। जी सरकार इस मुगालते में ना रहे कि हम इस रोस्टर के बहाने न केवल नियुक्तियों की बल्कि आरक्षण को ही खा जाएंगे। ये उनको मान लेना चाहिए कि यह 1990 नहीं 2019। रोस्टर के हवाले से आपको ये लगता है कि आरक्षण जो पूरी तरीके से बिल्कुल करने की कोशिश की जा रही है? देखिए इसका एक फार्मूला है, 13 पॉइंट में है कि पहली चार पोस्टें, पहले तीन पोस्टें होंगी यू आर, उसके बाद आएगा एक ओबीसी, सातवीं सीट होगी एससी की और 14वीं सीट होगी एसटी की, जिसमें अगर किसी पोस्ट पर आप जानते हैं कि किसी भी यूनिट में, किसी भी कॉलेज में एक साथ 13 सीटें नहीं आती एक डिपार्टमेंट में, तो अगर दो सीटें आती हैं तो दो तो यू आर की हैं। तो फिर इस तरह से जैसे आप देखो एक जनजातीय विश्वविद्यालय है उसमें 58 सीटें निकाली इस रोस्टर के आने के बाद और 58 सीटों में एक भी रिजर्व पोस्ट नहीं है, कहने को जनजातीय विश्वविद्यालय। आप यकीन कीजिए कि क्या हाल होने वाला है रिजर्वेशन का। तो रिजर्वेशन की स्थिति को लेकर के प्रतिशत सवर्ण आरक्षण के नाम पर संविधान विरोधी एक तरफ काम करते और संविधान में निहित बहुजनों की जो आरक्षण है उसको समाप्त किया जा रहा है। एससी एसटी ओबीसी के जो आरक्षित सीटें हैं उसको कहीं ना कहीं 13 पॉइंट का जो रोस्टर है उसको लागू करने के बाद से उन पर खतरा मंडरा रहा है। जी सर क्या बताएंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, अब तो ये भारत की सरकार की बहुत सारी बड़ी बदतमीजी है, दिल्ली रिजर्वेशन पूरे भारत में 1950 में लागू हुआ था, दिल्ली यूनिवर्सिटी 1997 से लागू करती है वो भी गलत तरीके से, और 13 पॉइंट रोस्टर्स के लिए आज लोग इकट्ठा हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1997 में उसको लागू किया और 2013 तक उसको लागू करके रखा, बहुजनों का हक तब भी मारा जा रहा था। 2013 में दिनेश सिंह ने एक रोस्टर लागू किया था 200 पॉइंट, हालांकि वो भी गलत था, उसको हमने कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन अब तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हद कर दी है। हम तो इसमें सीधे सीधे सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, सरकार ने 10 महीने पहले कहा था हम अध्यादेश लेके आएंगे, लेकिन सरकार अध्यादेश नहीं लेके आई। सिर्फ सरकार ये देख रही है कि किस तरह से बहुजनों को आगे यूनिवर्सिटीज में आने से रोका जाए, क्योंकि वो लोग यहाँ आके अपने अधिकारों की मांग करती है। सरकार उनको सिर्फ रोटी के मामले में उलझाना चाहती है, एजुकेशन से उनको साजिश के तहत दूर कर रही है, लेकिन बहुजन अब जाग चुका है, वो देख रहा है कि किस किस तरह से हथकंडे अपना के उनको रोका जा। अगर सरकार में संजीदगी होती तो इस पर अध्यादेश 10 महीने पहले आ चुका होता, सरकार की नियत पर सवाल खड़े होते हैं। और इतने लोग ये आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग, ये बहुजन के बच्चे हैं जो सालों से पढ़ा रहे, उम्र 40-40 साल हो गई, कहाँ जाएंगे ये लोग? सरकार को सोचना चाहिए, क्या ये सब लोग वही परंपरागत काम करेंगे जिसके बारे में सरकार अपनी बात करती है कि लोगों को परंपरागत पेशे को, इस पर सवाल खड़ा होता है। तो मुझे लगता है ये बात सरकार तक जानी चाहिए कि बहुजनों में आक्रोश है और वो आक्रोश इतना भयंकर बढ़ जाएगा कि आगे आने वाले समय में सरकार को दिक्कत हो जाएगी। तो एक साजिश के तहत यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक साजिश के तहत आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये प्रोटेस्ट हम जो देख रहे हैं ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, टीचर्स, एससी एसटी ओबीसी के इसको लेकर के काफ़ी लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई भी इस पर, जैसा कि ये यहाँ पर अध्यादेश की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा।
हुआ था। आईडी निकाल कर दे देना मुझे। उल्टी चलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और क्या संदीप यादव जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, एक तरफ तो सामान्य वर्ग को खुश करने के लिए 10% आरक्षण दिया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से, और हम ये देख रहे हैं कि आप लंबे समय से ये इसको लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आपका आरक्षण खतरे में है। किस तरीके से खतरे में है आपका? खतरे में ऐसे, आपका नाम क्या है? सुशील कुमार। सुशील जी, बेसिकली मामला ये है कि ये 50% 49% के आसपास ओबीसी एससी रिजर्वेशन, इनका एक लंबा ऑपरेशन का काल रहा। आप लीजिए, एक तरह से तो भारत का इतिहास, बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं 6000 साल से लेके अभी तक का, उसमें इनको एक बहुत ही उत्पीड़न की एक कहानी रही है इनकी, और उसमें इनको उसी रेमेडी उपचार के लिए रिजर्वेशन दिया गया था, और उस रिजर्वेशन में भी हकमारी की जा रही है। एक तो गवर्नमेंट जॉब्स नहीं बची हैं, उसमें भी आप ओबीसी एससी एसटी की सीटों को 13-point roster लगा के कम कर देंगे, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ये पहली जनरेशन के मैक्सिमम लोग हैं, ये मेरे कॉलेज में पढ़ाते हैं राजेंद्र जी, सभी हम पहली जनरेशन के लोग हैं जो सीधे मिट्टी से ये पिच रोड पे पहुंचे जी। और तो ये जो आपने कहा कि उनको बाहर करने की कोशिश की जा रही है, असल में लोगों को मालूम नहीं है कि 13-point roster क्या है और किस तरीके से ये साजिश हो रही है। मैं बता देता हूँ, एक्चुअली क्या है कि इससे पहले पूरे भारत में, पूरे भारत के अकादमिक संस्थानों में 200-point roster था। अच्छा। रोस्टर वो होता है रिजर्वेशन देने का एक, उसमें 200 पॉइंट में उस कॉलेज का हर एक डिपार्टमेंट यूनिट होगा। अच्छा। तो अब आप समझिए कि जैसे मिरांडा हाउस कॉलेज है, उसका हिस्ट्री डिपार्टमेंट एक यूनिट होगा, तो उसमें क्या है कि 200 साल बाद कुछ कम्युनिटीज का नंबर आएगा। अच्छा। जैसे एसटी एससी की पोस्ट नहीं आएगी, ये रिजर्वेशन फॉर, जैसे कहता है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो ये जस्टिस को एक तरह से डिनाई किया जा रहा है एक महीन काइया ढंग से। ये काइयापन नहीं चलेगा। अच्छा। ये काइयापन, ये बेहयाई, ये बदतमीजी, ये उसके लिए, ये रिजर्वेशन गरीब तबकों के लिए था, जो दूध दूहते थे, जो खेतों में काम करते थे, जो मिट्टी का काम करते थे, जिनका न खेत था न कोई देखने वाला था, जो पढ़ सकते थे, जो सक्षम थे। तो आपको अब ये समझना होगा कि ये हकमारी है, और हकमारी पे हम लोग चुप नहीं रहेंगे, हम लड़ेंगे। तरीके से आरक्षण साइलेंट काइयापन, मैंने कहा नहीं चले। ये एक एक सामाजिक काइयापन है, बेहयाई है, जिससे मतलब कि हम लोगों को मतलब एक तरह से किनार। मेरे साथ मयंक यादव हैं और हम उनसे बात करेंगे। क्या लगता है मयंक जी कि एक तरफ तो मोदी सरकार सवर्णों को 10% आरक्षण देती है, और दूसरी तरफ आरक्षण को ही लेकर ये लंबे समय से हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं, मामला क्या है? देखिए, डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि आपके नेता सदन में क्या बोलते हैं उस पर मत जाइए, वो शाम को कहाँ उठते बैठते हैं इस पर नजर रखिए। अच्छा। तो वो नरेंद्र मोदी खुद को कहते हैं कि वो ओबीसी हैं, आरक्षण कोई जाने नहीं देंगे, और ये हैं वो हैं, लेकिन आप असलियत में देखिए कि हो क्या रहा है। यहाँ 5 मार्च के लेटर के बाद से, यूनिवर्सिटी लेटर के बाद से,
हम लोग लगातार इतने टाइम हो गया है प्रोटेस्ट करते हुए, जंतर मंतर यहाँ वहाँ करते हुए, उस पर आज तक कस से मस नहीं हुए हैं। झूठ बोला कि अध्यादेश लेके आएंगे, वो भी नहीं लेके आए हैं। जो पहले से ओवर रिप्रेजेंटेड हैं, करीबन 92% जिनका 70-92% विभिन्न तरह की श्रेणियों में जिनका प्रतिनिधित्व है, उनको और मौका देने के लिए और जगह देने के लिए 10% आरक्षण लिया है। तो आप खुद जज कर सकते हैं कि वो कितने आरक्षण के समर्थक हैं। बहुजनों के आरक्षण के समर्थक हैं, आरक्षण के समर्थक हैं वो, लेकिन सवर्णों के, बहुजनों के नहीं, इस बात को मान लीजिए। 13 पॉइंट रोस्टर के रोस्टर जो है, ये मामला किस तरीके से लगता है कि ये आरक्षण खत्म करने की साजिश है मोदी सरकार? आप ये देख लीजिए कि 13 पॉइंट रोस्टर में 9 सीटें अनरिजर्व हैं, ठीक है, और 4 सीटों में SC ST SC और OBC है, ST का उसमें नंबर ही नहीं है, 14वीं सीट ST के लिए जाएगी। तो आप खुद समझिए कि आप जो डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकालेंगे, ये 3-3, 4-4, 5-5 करके वैकेंसी निकालेंगे, ST का तो आप ये समझ लीजिए कभी नंबर आना नहीं है। ये तय हो चुका है कि विश्वविद्यालयों से शेड्यूल ट्राइब्स का प्रोफेसर नहीं आएंगे, उस समुदाय से बिलोंग करने वाले लोग अब प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे, ये तो तय हो चुका है। बचे ST SC और OBC, ये समझ लीजिए 9 सीटें जिनकी आबादी 15-20 है, उनके लिए आप 9 सीटें निकाल रहे हैं, हालांकि वो सीट अनरिजर्व है, लेकिन अनरिजर्व सीट्स कैसे भरी जाती है ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्या किस तरह से नियुक्तियाँ होती है, किस क्या क्या पीछे चैनल चलते हैं, उस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, सब जानते ही हैं। तो 9 सीटें अनरिजर्व है, यानी कि ये पूरी तरह से 70-80% आरक्षण अघोषित तौर पर देने का इन लोगों ने सवर्णों को तय कर दिया है। तो इस तरह की यहाँ पर चीज़ें कही जा रही हैं कि रिजर्वेशन को जो है एक महीन साजिश के तहत ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, कि क्या लगता है मयंक जी कि रिजर्वेशन को लेकर के सरकार ने जिस तरीके से आपने बताया 13 पॉइंट जो रोस्टर है, ये जो मामला आया है और सरकार ने ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया, दूसरी तरफ जो मेरा पहले जो मैंने सवाल किया था कि सवर्णों का आरक्षण बिना मांग के और बिना उसके दे दिया जाता है, लेकिन आप जो डिमांड कर रहे हैं उस पर ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा रहा है, कि क्या इसका 2019 में भी कोई मोदी सरकार को इसका नुकसान देखना पड़ेगा? आप पूरी तरह से देखना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ ये जो इंटेलेक्चुअल आबादी जो है, जो हमारी गिनी चुनी आबादी विश्वविद्यालयों तक पहुँच पाई, ये पहली पीढ़ी है आमतौर पर। देख लीजिए OBC का रिजर्वेशन 2006 में आया और दिल्ली विश्वविद्यालय में 2011 में इम्प्लीमेंट हो पाया है, तो आप ये पहली पीढ़ी है, लेकिन ये पहली पीढ़ी इतना आप पीछे देख सकते हैं, आक्रोश देख सकते हैं कि ये बहुजनों को जगाने का काम करेगी और ये बहुजन जागेंगे, इनको खदेड़ेंगे नागपुर तक, जहाँ से ये आए हैं उनको वहीं खदेड़ा जाएगा, जो ये बहुजन विरोधी एजेंडा लेके आए हैं, जो मनुस्मृति का शासन यहाँ स्थापित करना चाहते हैं, इनके सबके इरादे खत्म किए जाएंगे, इनका पूरा एजेंडा खत्म किया जाएगा और इनको वापस नागपुर में भेजा जाएगा, वहीं ये नमस्ते सदावत से ले करते रहेंगे, लेकिन अब यहाँ दोबारा सरकार में आने वाले नहीं है। जिस प्रकार से इन लोगों ने आरक्षण को खत्म किया, आरक्षण क्या बेसिकली इन लोगों ने, ये पूरी तरह से बहुजन विरोधी है, ये चाहते ही नहीं है देश की 85% आबादी कभी मुख्यधारा में आ पाए या सत्ता छोड़िए किसी भी तरह के प्रतिष्ठान तक पहुँच पाए, तो इनको जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा। आप देखिए हम 10% आरक्षण के विरुद्ध में भी पूरे जनाक्रोश अब उबल रहा है धीरे धीरे, और नेताओं ने किन्होंने क्या समर्थन दे दिया है क्या नहीं दिया उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन ये आवाम सब समझती है, जो संसद में हुआ उसको लेके ये ना समझ लें कि पूरा देश इनके साथ है, आवाम समझती है कि क्या हो रहा है और इसके क्या इम्प्लीकेशन होने वाले हैं। एक तरफ जहां मोदी सरकार ने वोट बटोरने के लिए रिजर्वेशन का फायदा रिजर्वेशन दिया गया, तो दूसरी तरफ OBC SC ST OBC का जो आक्रोश है वो आगामी लोकसभा चुनाव में BJP सरकार इनकी मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा। अच्छा। और सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं है, RSS इस मामले में आप बड़ा क्लियर कट समझिए, उसको अपना एजेंडा स्थापित करना है, उनको इससे मतलब नहीं है क्या होने वाला है, वोट बैंक तो इसका एक इंसिडेंट हो सकता है, इसका कोलेट्रल पार्ट हो सकता है, वो मिल जाए, लेकिन इनको अपना जो पहले ही मोहन भागवत कह के आया था बिहार चुनाव के वक्त में कि हमें संविधान की समीक्षा करनी है, तो ये वही है, ये संविधान बंदी का दौर आ चुका है, संविधान को इनको तोड़ना मरोड़ना है, जिस एजेंडा के साथ ये लोग आए हैं वही काम कर रहे हैं। अब ये SC ST OBC सांसद को समझना पड़ेगा, जो जिनको इनके आवाम ने चुन के भेजा है, कि उनका क्या कर्तव्य है ऐसे संवेदनशील वक्त पर, ऐसे नाजुक मौके पर उनका क्या स्टैंड है, ये अब देखने वाली चीज़ होगी, बाकी आवाम तो इनको भेजेगी, वापस नागपुर भेजेगी। ठीक, थैंक यू। तो इस तरीके का आक्रोश है आवाम 2019। सर मोदी सरकार एक तरफ
वोट बैंक की राजनीति के लिए एक सियासी चाल के तहत 10% आरक्षण का बिल लेकर आती है, उसको कानून बनाती है, संविधान संशोधन कराती है और सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया जाता है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ काफ़ी समय से यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है और कहा जा रहा है कि ये SC ST OBC की जो आरक्षित सीटें हैं उनको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मेरे दो सवाल हैं कि क्या ये 13 पॉइंट रोस्टर जो है इसके हवाले से वाकई आरक्षण खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और दूसरा ये कि जिस तरीके का आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है जनता का, क्या ये 2019 में BJP यानी कि मोदी सरकार को इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है? आपका आपका परिचय। मैं विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार, PGDV कॉलेज मॉर्निंग से इंग्लिश डिपार्टमेंट। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो गवर्नमेंट है कास्टिस्ट गवर्नमेंट है और इन लोगों का प्राइमरी एजेंडा जो है रिजर्वेशन को ख़त्म करना है। अच्छा, ये कास्ट के ऊपर कभी भी बात नहीं करते कि हमें कास्ट को ख़त्म करना है। कास्ट इन्हें एज इट इज सेम एज इट इज़ लाइक जैसे चलता आ रहा है 5000 सालों से कि कास्ट सिस्टम वैसे के वैसे उसको मेंटेन रखना है। लेकिन रिजर्वेशन की जब बात आती है तो इनका सबसे पहले मोटिव होता है कि उसको एलिमिनेट करना। अच्छा, उसको एनिलिएट करना। ये कभी भी ये जो गवर्नमेंट है BJP जिसको हम पूरा मनुवादी ताकतों से घिरी हुई है। अच्छा, उन्हीं से बनी हुई है ये। इन लोगों का हमेशा से एक ही मोटिव रहता है कि इस बार नहीं तो अगली बार किसी ना किसी तरह गवर्नमेंट में आए फिर से और रिजर्वेशन को स्क्रैप करें, और वो हमेशा के लिए। और उनका उनका जो ये, क्योंकि 85% लोगों के अगेंस्ट इतना बड़ा इन लोगों का षड्यंत्र है कि यहाँ 13 पॉइंट रोस्टर जो है ये इतना बड़ा षड्यंत्र है क्योंकि इसमें अब इनको थ्रेट फील होने लगा है कि लोग आ रहे हैं, लोग यूनाइट हो रहे हैं। ये जो 15% 10% जो लोग हैं, जो मायावी टाइप के लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व हमेशा बना रहे, कभी कभी कोई दूसरा हमारे अलावा कोई आए ना, क्योंकि सत्ता ये शेयर नहीं करना चाहते। इन्हें सत्ता की इतनी बड़ी भूख है और ये हमेशा से यही अपनी चालाकियों से हमेशा से राज करते आए हैं। इन्होंने कभी कुछ देश के लिए किया नहीं है, क्योंकि इतने सालों हजारों साल देश पे इस भारतवर्ष पे राज करने के बाद भी इन्हीं के राज में अंग्रेज भी आए, मुगल भी आए, तो ये इनकी फेलियर का और इनकी हरामखोरी का सबसे बड़ा नमूना है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब ये कम्प्लीटली फेल हो चुके हैं और लोग समझने लगे इनकी पॉलिटिक्स को कि ये SC ST OBC ST ST MT माइनॉरिटीज हैं। तो क्या इसका 2019 के आगामी लोकसभा चुनाव में, बिल्कुल बिल्कुल ये 2019 में इनको देखना पड़ेगा और ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इनके प्रति चारों तरफ रोष है। और ये यहाँ टीचर कम्युनिटी, ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में हर यूनिवर्सिटी में हर कोई इनसे परेशान है, क्योंकि इन लोगों ने जैसे दो करोड़ हर साल नौकरियां देने का जो प्रॉमिस किया था, बल्कि ये कह रहे कि 2 करोड़ नौकरियां ख़त्म करने की बात कर रहे हैं इस टाइम, देने के बजाय सब ले रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति, टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, हर कोई इनसे बहुत बुरे से परेशान है। चलिए, और वी ऑल रियली कंडेम दिस गवर्नमेंट एंड दे विल हैव टू पेनलाइज, दे विल फेस द अपोजिशन इन द अपकमिंग इलेक्शन ऑफ 2019। तो इस तरह की स्थिति है, आक्रोश की स्थिति है यहाँ पर, और इनका साफ तौर पर कहना है कि 2019 के आगामी लोकसभा चुनाव में BJP को इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या 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 रहता है BJP सरकार, इनकी मोदी सरकार इस मामले में क्या 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 कदम उठाती है। जो लंबे समय से आक्रोश चल रहा है, ऑर्डिनेंस बिल की मांग की जा रही है, उस पर क्या क्या सख्त कदम उठाया जाता है? जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं कि अभी तक जो यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन का पूरा मामला है वो 27 और 17 और 15 और 7 के जरिए जो है, इस यहाँ रोस्टर के जरिए हम समझ सकते हैं। 200 पॉइंट रोस्टर का पूरा मामला ये है कि जो रिजर्वेशन है उसमें पहले यूनिवर्सिटी को एक यूनिट माना जाता था और पूरा जो है 200 लोगों की लिस्ट बना ली जाती थी। अगर यूनिवर्सिटी में 200 वैकेंसी मान लीजिए खाली है तो 200 एक क्रम से लिख लिया जाता था और डिपार्टमेंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया जाता था, जिसमें 4th, 8th और 12th हर 4th सीट OBC की, हर 7th सीट दलित की और हर जो है
14वीं सीट होती थी वो एसटी को रिजर्व जाती थी, 15वीं सीट एसटी को रिजर्व जाती थी, लेकिन इस 13 पॉइंट रोस्टर आने के बाद डिपार्टमेंट को एक यूनिट बनाया जाएगा और वहाँ पे सिर्फ 13 नंबर तक ही काउंट होगा और जिसमें से सिर्फ 2 ओबीसी की सीटें बनेंगी, 4 और 8 नंबर की सीट, 1 एससी की बनेगी, 7वीं नंबर की सीट, उसके बाद 13 नंबर की जो सीट है वो अनरिजर्व है, 14, 15, 16 और 17 ये तीनों सीटें रिजर्व कैटेगरी में आएंगी और ये चारों लोग रिजर्व की होने की वजह से 13 पे रोस्टर चूँकि ख़त्म हो जाएगा ये लोग बाहर हो जाएंगे एक ही झटके में। ये एक सरकार की साजिश के तहत किया जा रहा है, सामाजिक न्याय की यहाँ पे हत्या की जा रही है। इनको जो तबका मंडल कमीशन आने के बाद 2007 से यहाँ यूनिवर्सिटी में आना शुरू किया था, मास्टर एमफिल और पीएचडी कर रहा था, वो तबका अब यूनिवर्सिटी में 13 पॉइंट रोस्टर लगने के बाद नहीं आ पाएगा, वो प्रोफेसर नहीं बन पाएगा, वो बाहर हो जाएगा। जैसा कि अभी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट छपी थी उसमें हम सब ने देखा, पूरा देश ने देखा कि जो बहुजन कम्युनिटी के लोग हैं जिसमें ओबीसी का देश के 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एक भी प्रोफेसर नहीं है, हम देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का और एसोसिएट प्रोफेसर की भी हालत ऐसी है जिसमें जितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था वो रिप्रेजेंटेशन दलित और एसटी कम्युनिटी का भी विश्वविद्यालयों में नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनने के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस कम से कम प्रोफेसर का होना चाहिए, अगर हमारे लोग असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं बन पाएंगे, एसोसिएट प्रोफेसर तक ही नहीं पहुंच पाएंगे तो वाइस चांसलर का रास्ता हम सपना ही नहीं देख सकते, वो हम सोच ही नहीं सकते हैं, तो ये मामला बहुत ख़राब है। दोस्त एक मिनट की बात, दोस्त मैं इस 13 पॉइंट रोस्टर पे बस एक बात कहूँगा कि देखिए कभी मनुस्मृति में हम लोगों को पढ़ने का हक नहीं दिया गया था, हाशिए के लोगों को, और ये सरकार मनुस्मृति से संचालित है, हमारे कोर्ट हमारी कचहरी मनुस्मृति से संचालित है, वो चाहती नहीं है कि दलित पिछड़े आदिवासी लोग ज्ञान की दुनिया में दाखिल हों, उसमें दखल दें, हम उनके इस फरमान की मुखालफत करते हैं, हम चाहते हैं कि मुल्क घर सबका है तो हिस्सेदारी भी सबकी होनी चाहिए, और सबकी हिस्सेदारी के लिए आज हम सड़कों पर हैं और हम कल भी आएंगे सड़कों पर, हम अगले दिन भी आएंगे, जब तक कि सरकार और ये न्यायाधीश और ये पूरा न्यायिक सिस्टम अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करके इसे बदलता नहीं है। शुक्रिया दोस्त। एक इन्फॉर्मेशन ये है कि देश के 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एससी एसटी और ओबीसी के लिए परसेंटेज जो निर्धारित है उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो सिर्फ 3.5% एससी लोग जो हैं कि 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में इनको जगह मिल पाई है जबकि इनका होना चाहिए था 15%, एसटी का 7.5% होना चाहिए जबकि इनका प्रोपोर्शन अभी जितने लोगों का अगर अपॉइंटमेंट है 1.7 है, सिर्फ 0.8% 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में है, ये भी इनको नहीं पच रहा है, 13 पॉइंट रोस्टर ला करके एसटी को तो 0% पे ये ला देंगे, एससी का भी 2% से कम हो जाएगा, तो फिर ये क्या चाहते हैं, सामाजिक न्याय की ये सीधी सीधी हत्या है। सामाजिक न्याय क्या है उसमें लिखा हुआ है क्लेम CLAIM 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये पूरा उल्लंघन है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उनको पढ़ना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल जो आज खतरे में है, हम उसके लिए है कि ये जो है वापस हो और हमारा राइट जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वो दिया जाए।